तो फाइनली गाइस अभी हम लोग डुमरी के ब्रिज पे आ चुके हैं। यहाँ से जाना है उधर 6 किलोमीटर। तो यार लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बैरिकेडिंग लगाया गया है और देखो कितना पुलिस खड़ा है इधर। इधर देखो सबको जाने से रोका जा रहा है, उधर कोई नहीं जाएगा। देख दो गाइस ये काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक लग गया है और ट्रैफिक इसलिए लगा है क्योंकि जितना भी JMM वाला झंडा है सबको जाने दिया जा रहा है और जरा मत वाला किसी को जाने नहीं दिया रहा, उधर सबको ब्लॉक कर दिया। ये देखो यहीं पे हो रहा है प्रोग्राम, हेमंत सोरेन का प्रोग्राम यहीं पे होने वाला है। देखो जरा का प्रोग्राम अगर आप देखने जा रहे हो तो आपको पुलिस वाला रोका जाएगा, आपको जाने से रोका जाएगा। फिर हम पानी ले गए, जैसे तैसे जहाँ तहाँ घुस के हम वो लोकेशन पहुँच गए, वैसे पुलिस का ब्रेकेटिंग हर जगह था, पुलिस रोक रहा था सबको यहाँ आने से, पर फिर भी किसी भी हाल में हम लोग यहाँ पहुँच गए। और यहाँ पे देखो यार भीड़ हेमंत के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे हो चुका है देखो। हाँ तो हाय हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम निकल चुके हैं काराकुसुमा डुमरी के लिए, जहाँ पे होने वाला है टाइगर जयराम दादा का भव्य वाला सभा। और ये सभा काफी एग्रेसिव होने वाला है, और एग्रेसिव क्यों होने वाला है क्योंकि वहाँ पे एक और सभा है जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सभा भी वहाँ होने वाला है और जयराम दादा का भी सभा वहाँ पे होने वाला है। इसलिए ये सभा काफी ज्यादा एग्रेसिव होने वाला है और पूरा झारखंड का ध्यान उसी सभा पे है। तो ऐसा सभा हो और हम ना पहुँचे ऐसा हो नहीं सकता। तो हम फिलहाल अभी घर से निकल चुके हैं और हमें यहाँ से दूरी तय करना है 60 किलोमीटर का। तो ये अजीत जो बाइक चला रहा है ये मेरे को छोड़ देगा हाईवे तक, फिर मैं वहाँ से ट्रक या फिर हाईवा या फिर खुद किसी का भी लिफ्ट लेके मैं चल जाऊँगा, लोकेशन पे पहुँच जाऊँगा। और लोकेशन पहुँचने के बाद आपको दिखाऊँगा वहाँ पे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सभा कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो आप यार चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल को प्रेस कर दो ताकि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फिर हम जाते हैं काराकुसुमा टू रिक्शा पे होने वाला है टाइगर जयराम महतो का भव्य वाला सभा। और हेमंत सोरेन भी आने वाला है तो देखते हैं कौन जीतेगा कौन नहीं, जब टक्कर खतरनाक वाला होने वाला है। मतलब एक जो मुख्यमंत्री है और एक जो मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो चलो हम चलते हैं, बने रहो तुम यार। और वीडियो को लाइक करके जाना, ऐसे नहीं जाना तुम यार, अभी मेहनत करते यार। देखो मैं यहाँ से जा रहा हूँ डुमरी, वो भी क्या लिफ्ट मांग के, मेरे पास साधन नहीं है, ये मेरे को छोड़ देगा हाईवे तक, फिर मैं लिफ्ट मांग के चल जाऊँगा। तो बने रहो, फुल कवरेज मैं आपको देते रहूँगा, बने रहो यार। और हाँ सब्सक्राइब तुम करके ही जाना। चलो लव यू गाइस। तो फाइनली गाइस अजीत मेरे को बरवाटा तक छोड़ दिया और हम लोग का सफर यहीं तक, फिर मैं यहाँ से जाऊँगा लिफ्ट लेके, समझो। तो थैंक यू अजीत, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यहाँ तक छोड़ने के लिए। चलो फिर हम लोग का सफर यहीं तक, अभी हम सीधे जाते हैं काराकुसुमा। तो मिलते हैं, हाँ सी यू सून ब्रदर, सी यू सून। तो टाटा। तो चलो गाइस अजीत तो निकल गया, अब मेरा बारी है आगे जाने का, आगे तो मैं लिफ्ट जाऊँगा, तो बने रहो यार। तो फाइनली भाई साहब, ये वाले भाई साहब ने मेरे को लिफ्ट दे दिया है, काफ़ी देर चलने के बाद मेरे को यहाँ पर लिफ्ट मिला, ये भाई साहब ने मेरे को लिफ्ट दिया, थैंक यू। चलो यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं। तो दिखा रहा है? नहीं व्लॉग बना रहा। A few moments later। ठीक है भैया, थैंक यू, हमारा सफ़र यहीं तक। हाँ तो ये वाले भैया ने मेरे को तो चाची में छोड़ दिया और यहाँ से मेरे को जाना है, पहले डुमरी जाएंगे फिर डुमरी से आएंगे आगे। तो बने रहो यार वीडियो में। और इधर देख सकते हैं एक महान क्रांतिकारी जो साइकिल से आ रहा है, रोकिएगा भैया थोड़ा रोकिएगा, अरे बहुत खतरनाक दिख रहे हो भैया आप, बहुत खतरनाक दिख रहे हैं। झारखंड के लिए लड़ेंगे तो झारखंड के लिए कहाँ से चल के आ रहे हैं? बलियापुर से आ रहे हैं। अरे यार हम भी तो वहीं से आ रहे हैं। है बलियापुर में कहाँ से आ रहे हैं आप? बारपुर। क्या नाम हुआ आपका? विनोद माथुर। चले आपकी हौसला को मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज्यादा हौसला है आपका। चले फिर हम भी वहीं जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे। ठीक है। जोहार झारखंड, जय झारखंड। इनका हौसला मतलब क्या ही बताएं आपको, खतरनाक वाला हौसला यार बलिया। तो चलते चलते देखो गाइस हम कहाँ पहुँच गए हैं, इसको बोलते हैं झारखंड की शान, पारसनाथ पहाड़। आप देख सकते हो पारसनाथ की चोटी अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि मेघ है पूरा, इसलिए चोटी नहीं दिख रहा है। तो ऊपर से आपको दिखेगा जो मंदिर है पारसनाथ का वो भी दिखता। तो चलो हम यहाँ से आगे का सफर शुरू करते हैं, बने रहो यार। A few moments later। तो
फाइनली गाइस हम लोग जो है अभी है डुमरी में, और डुमरी से अंदर घुसना पड़ता है 6 किलोमीटर, उसके बाद जहाँ पे होने वाला है जरामदा का सभा। और यहाँ से आप भीड़ देखो कितना खचा खच वाला भीड़ हो चुका है, ये देख सकते हो। यहाँ से चले जाओगे? फाइनली गाइस अभी हम लोग डुमरी के ब्रिज पे आ चुके हैं, यहाँ से जाना है उधर 6 किलोमीटर। तो यहाँ लेकिन यहाँ पे एक चीज बैरिकेडिंग लगाया गया है, और देखो कितना पुलिस खड़ा है इधर, देखो सबको जाने से रोका जा रहा है, उधर कोई नहीं जाएगा। और ये वाले भाई साहब ने मेरे को यहाँ तक छोड़ दिया, ये भी हजारीबाग से है। ठीक है भैया, थैंक यू आपका, यहाँ तक छोड़ दिया मेरे को। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या होता है। देख दो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक लग गया है, और ट्रैफिक इसलिए लगा है क्योंकि जितना भी JMM वाला झंडा है सबको जाने दिया जा रहा है, और जरामत वाला किसी को जाने नहीं दिया रहा, उधर सबको ब्लॉक कर दिया। ये देखो यहीं पे हो रहा है प्रोग्राम, हेमंत सोरेन का प्रोग्राम यहीं पे होने वाला है। ये देखो आप देखने जा रहे हो तो आपको पुलिस वाला रोका जाएगा, आपको जाने से रोका जाएगा। फिर हम देखते हैं, फिर ट्राई करते हैं, पहुंचते हैं हम और राहुल भैया के साथ कोशिश करते हैं पूरा पहुंचने का ना भैया। A few moments later. तो फाइनली गाइस जैसे तैसे जहाँ तहाँ घुस के हम वो लोकेशन पहुंच गए, वैसे पुलिस का ब्रेकेटिंग हर जगह था, पुलिस रोक रहा था सबको यहाँ आने से, पर फिर भी किसी भी हाल में हम यहाँ पहुंच गए हैं। और यहाँ पे देखो यार भीड़ हेमंत के मुकाबले काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पे हो चुका है। देखो चल गया। देखो जरा मत की एंट्री ऐसी हुई है ना, क्या ही बताऊं, मतलब सब आदमी दौड़ के उधर जा रहे कि जरा हम तो आ गए, जरा हम तो आ गए, मजा आ गया यार। देखो तुम देखिए, आप भी भीड़ में घुस कर तमाशा देखिए, जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। इंजीनियर के लोग
नाम से टाटा बाय बाय। फाइनली गाइस भीड़ तो यहाँ काफी ज्यादा उमड़ गया है और जयराम दादा का भाषण अभी भी चल रहा है। लगभग वो एक घंटा से वो भाषण दे दिए, अभी भी उनका भाषण चल रहा है, लेकिन काफी ज्यादा लेट होने की वजह से हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि मेरा घर यहाँ से दूर है और जाना मुझे लिफ्ट के सहारे है, इसलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो आप मेरे को ये बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में तुम बता देना ये लिख के कि वीडियो आपको कैसा लगा। और मिलते हैं हम अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय झारखंड।